बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। ये मेरा वीलॉग आप सब के लिए, आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक वार्निंग है। मैं कभी भी अपनी कौम को डिस्करेज नहीं करना चाहता। मैं हमेशा अपनी कौम के साथ हर मुसीबत में, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मौजूदा हालात और वाकयात को देखते हुए, जो मौजूदा पाकिस्तान की कंडीशन है, जो कि करप्ट पॉलिटिकल माफिया, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जो अभी अपनी वर्दी भी उतार चुका है जनरल बाजवा, और बहुत सारे फॉरेन दुश्मन जो हैं, फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं, उनके साथ मिलके इन्होंने पाकिस्तान को एक प्रोग्राम के तहत, एक प्लानिंग के तहत तबाहो बर्बाद कर दिया है। मैं आप सबको डिस्करेज नहीं कर रहा, फिर मैं कह रहा हूं, आप सबको एक वार्निंग दे रहा हूं कि याद रखिएगा कि जरदारी ने सिंध में पूरी लूटमार की, मुस्लिम लीग ने पंजाब में लूटमार की, JUI ने KPK, बलूचिस्तान और दूसरे सरदारों के साथ मिलके, AMP से मिलके इन्होंने पाकिस्तान को तबाहो बर्बाद कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन इकोनॉमिकली इतनी कमजोर है कि आपके जो रिजर्व हैं, इकोनॉमिक रिजर्व, वो फिनिश हो चुके हैं। अगर आपके पास कुछ बैंकों में पैसा पड़ा है, या तो वो सऊदी अरब का या वो चाइना का है, आपका अपना पैसा किसी किस्म का नहीं है। इवन यहां तक कि जो आपकी फॉरेन पेमेंट्स हैं, उनके बिल रुके हुए हैं, वो अदा नहीं कर पाते। क्यों? कि इन्होंने करप्ट माफिया ने सिर्फ लूटमार ही नहीं की, इन्होंने लूटमार करके वो पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लॉस 4 times लॉस ज्यादा हुआ। अब क्या है इनकी प्लानिंग? क्या है जरदारी की प्लानिंग? है कि सिंध को अलग करो, नवाज शरीफ की प्लानिंग है पंजाब को अलग करो, और जो आपके महमूद खान अचकज़ई और ये जो फुजला है, ये ANP, उनको अपने अपने इलाके अलग करने के ऊपर है। बात यह है कि अभी ये पाकिस्तान क्या इन करप्ट लोगों के लिए बनाया गया था? क्या ये पाकिस्तान इनके चंद एक बद करदार, जिनकी ना तो वो 25,000 की तनख्वाह या 20,000 की तनख्वाह नहीं ले सकते, उनके खानदान के लिए ये बनाया गया था? क्या ये करोड़ों का जो पाकिस्तान है, ये चार लोगों का खानदान, यही पाकिस्तान को, यही रह गए ठेकेदार, यही रह गए सब कुछ संभालने वाले? क्यों भाई? इसमें हमारा भी फॉल्ट है, पाकिस्तानी अवाम का। हमने इनके नारे के साथ नारा लगाया कि मुर्दा भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। अब किधर है भुट्टो? वो तो मर गया, अगर जिंदा होता तो हमारे जो हालात इससे भी ज्यादा बदतर होते। बात यह है कि अभी दूसरी तरफ शेर एक बारी फिर, वो खोते का बच्चा उधर इंग्लैंड बैठा हुआ है, खा पी के उधर बैठ गया, उसकी बेटी भी भाग गई, सारा कुछ अभी भाई बैठा, वो भी अनकरीब आप देखिएगा, वो भी भाग जाएगा, और बाहर बैठ के ये एक गवर्नमेंट चलाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये जैसे दो पाकिस्तान के दुश्मन या दूसरे मुल्कों के भी दुश्मन ऐसे ही करते रहे हैं कि अपने मुल्क में बैठा के एक गैर एलानिया किसी मुल्क के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज रन करते रहे, और बाद में उनकी आजादी का ऐलान कर दिया। अब भी ये मेरे इतला के मुताबिक, अब भी इनका प्लान यही है कि इंग्लैंड के अंदर बैठ के पंजाब की गवर्नमेंट बनाई जाएगी, वहां से नवाज शरीफ उनकी बेटी एज ए किंग और एज ए क्वीन वहां से वो गवर्नमेंट चलाएंगे। सेम जरदारी, उसका बेटा दुबई के अंदर बैठ के काम करेंगे। ये इतना खतरनाक और गलीज किस्म का इन्होंने प्लान बनाया है। और याद रखिएगा, मैं अपनी आर्मी को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जनरल आसिम मुनीर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप अपने अदारों को इस्तेमाल कीजिए, और ये जो मैं बात कह रहा हूं इसको रिकन्फर्म करवाइए कि क्या नदीम की इंफॉर्मेशन करेक्ट है या गलत है। मेरी आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आर्मी वाले अपनी जब जान देते हैं पाकिस्तान के लिए, तो फिर हम पाकिस्तान को बचाना भी हमारे फर्ज के अंदर आता है। जनरल बाजवा ने इनके साथ जो प्लानिंग की, इनके साथ जो भी हरामजदगियां की, इनका सुसर जो जनरल अमजद था, एजाज अमजद, उसने जो कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या क्या एग्रीमेंट्स किए, उनसे बात किया कि
उसने वहां से भी पैसे लिए, इंडिया से भी पैसे लिए और इन लोगों से भी पैसे लिए। अब वो भी इस करप्ट माफिया का हिस्सा है। जनरल आसिम अली, काइंडली इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि देखिए हम आर्मी वाले, वही बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि ये हमारे आर्मी वाले जब हम अपनी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए जब देते हैं, सेक्रीफाई करते हैं ना, तो हमें उसकी अवार्ड की जरूरत नहीं होती। अवार्ड तो उसको चाहिए होता है जिसने कुछ किया ही नहीं होता, उसको अपनी यूनिफॉर्म के डेकोरेशन के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। लिहाजा आपसे मेरी अभी भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि तमाम जनरल बाजवा के गंदे अंडे एलिमेंट्स उनको इमीडिएटली रिमूव करके उनको अरेस्ट कर लीजिए। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये लॉ अपने अपने आप को सेव किए जा रहे हैं, अपने कानून सारे केसेस खत्म करवा लिए हैं, इनके हवारी इनके फैसिलिटेटर्स अदालतों के अंदर बैठे हुए हैं और वो जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर नहीं एडजस्ट हुए थे, क्योंकि जनरल इजाज अमजद ने अपनी करप्शन जब शुरू की थी तो ये भी एक उस प्लानिंग का हिस्सा था। ये याद रखिएगा कि इस पाकिस्तान, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान टूट गया तो हम खत्म हो जाएंगे। हमारी पहचान इस पाकिस्तान से है, हमारी जान इस पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को हमने हर सूरत में बचाना है, हर सूरत में इनको महफूज भी करना है, लेकिन खुदा के लिए इन लोगों को अरेस्ट करना और इनको सजा देना बहुत जरूरी है, और इनके जितने गंदे अंडे इस वक्त भी अदारों में बैठे हैं उनको भी फिनिश करना बहुत जरूरी है। और ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और अपनी कौम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक मुट्ठी भर के रहिए, काइंडली आपस में तफरका मत डालिएगा। नो डाउट कि ये जो करप्ट माफिया है आपके दरमियान डिफरेंसेस पैदा कर गया, कोई शेर की तरफ, कोई मुर्दा भुट्टो की तरफ, को कहीं कोई मौलवियों के पीछे। इंसान बनिए, मुसलमान बनिए और पाकिस्तानी बनिए। ये मेरी तीन चीजें मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंसान बनिए जैसे अल्लाह ने आपको पैदा किया, मुसलमान बनिए जैसे रसूल वसल्लम की हम उम्मत हैं, और पाकिस्तानी बनिए जैसे हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये बकाया भुट्टो शुट्टो ये सब फ्रॉड है, धोखेबाज है। आप खुद सोचिए अगर उनके जो वो क्या कहते हैं नलायक किस्म की औलाद वो यहां तक पहुंच सकती तो आपके बच्चे क्यों नहीं, आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनका सोचिए, फ्यूचर का सोचिए। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी आर्मी का साथ देना होगा। हम साथ देंगे इंशाल्लाह, इस पाकिस्तान को हम बचा भी लेंगे, इन करप्ट लोगों को हम लटका भी देंगे। तो अभी की जो मेरी वीलॉग है वो आप सब के लिए एक वार्निंग है, सोचने का मकाम है, रेड अलर्ट है आपको, मैं कन्फर्म बार बार कह रहा हूं रेड अलर्ट है। मैं जनरल आसिम अली, काइंडली आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सियासत में हिस्सा लें या और करें, मेरा सिर्फ एक आपसे है, एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो जो गंदे अंडे हैं उनको गिरफ्तार करेंगे ना, इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको एक एक चीज सामने आ जाएगी। मेरी जो सोर्सेज हैं वो बड़ी रिलायबल है और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कंफर्म है कि इनका जो फर्दर प्लान है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए और इसके न्यूक्लियर एसेट्स और एवरीथिंग्स को फिनिश कर दिया जाए और कुछ हिस्सा इंडिया ले जाए, कुछ अफगानिस्तान, कुछ ईरान ले जाए, बकाया को आजाद कर दो। ये याद रखिएगा, ये मेरी बात आज की लिख लीजिएगा पूरे पाकिस्तानी और मेरी आर्मी, काइंडली प्लीज ये वक्त है एक होने का, ये वक्त है मुतहद होने का, ये वक्त है गद्दारों और करप्ट के खिलाफ खड़े होने का। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।